माय चैनल वी लव फॉर्च्यून 111111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो हम करंट फीलिंग्स पे चेक करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखोगे आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड रेमेडीज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में, चीज़ों में डिस्काउंट है, लास्ट डेट टुमारो तक है, ओके? बिकॉज न्यू ईयर के पहले मैंने इस पूरे मंथ में बहुत डिस्काउंट्स दिए हैं, आप सबसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो अगर आपने अभी तक डिस्काउंट में कोई भी सर्विसेज या कोई भी क्लासेस अवेल नहीं करी है, तो ये मौका आपके लिए रहेगा। आज है, कल है लास्ट डे, ओके? तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप जो है पॉजिटिव हो जाइए, एग्जिस्टिंग थॉट्स को हटा दीजिए, और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनका नाम तीन बार लीजिए, ठीक है? वी हैव स्ट्रेंथ, we have page of wands, we have six of cups, we have the hermit, bottom of the deck se we have the world card। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है? देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है करंटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड पर है, एंड उस रोमांटिक एनर्जी को फील करते हुए ही आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा होपफुल, पहले से ज़्यादा स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं अपने आप में भी और इस रिश्ते को लेकर भी, ठीक है? सो कहीं ना कहीं उनके दिल में अब ये चल रहा है कि हम अब अच्छे से बात करेंगे, हम साथ में घूमने जाएंगे, साथ में खाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में मस्ती करेंगे, ऐसा उनका मन कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पहले के अच्छे मोमेंट्स को वो बहुत याद कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें बेवजह बहुत डल हो गई है, बेवजह जो है यू नो सिचुएशंस जो है वो उसमें यू नो कोई लाइट नहीं है, मज़ा नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अकेलापन फील होता रहता है आप दोनों को साथ रहने के बावजूद। तो ये सब जो है बेसलेस है, एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे के लिए एफर्ट ना डालना, ये इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? साथ में एंजॉय करना, साथ में रहना, इस रिश्ते को सीरियस लेना ही लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है? तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली इम्पोर्टेंस को फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके? एंड किस तरीके से ज़रूरी है इनका आपके साथ खुश रहने की, ठीक है? क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों को खुशी देता है, इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानबूझ के क्यों प्रॉब्लम बनाना, क्रिएट करना छोटी मोटी नेगेटिविटी के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं कि दिल से दिल का रिश्ता भी है, सब कुछ अच्छा है, तो इस रिश्ते को सीरियसली लेंगे और हम लाइफ टाइम इस रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, खुशियों के साथ एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, एक साथ मस्ती करेंगे, एक साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अब से जो भी करेंगे म्यूचुअल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में बहुत चल रही है, ओके? तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव वी विल बी टुगेदर अगेन, सो डेफिनेटली ये पर्सन यूनियन के बारे में, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? सो अगर आपका कोई भी इशू चल रहा है, ये पर्सन बहुत ही जल्द उस इशू को ठीक करेंगे, क्योंकि इनके दिल में अब बस अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि रिश्ते में कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे समय बिता सकते हैं, कैसे फ्रेंडशिप को बरकरार रख सकते हैं इस प्यार में भी, ठीक है? जो फ्रेंडशिप हो सकता है लैक कर रही थी आप दोनों के बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग लैक कर रही थी, वो ये इंसान वापस लाना चाहते हैं।
आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट डे जब आप लोग मिले थे या बात आपने करी थी, वो चीज़ उन्हें बहुत याद आ रही है और बहुत इन्हें फील हो रहा है कि उसमें कितना ज़्यादा इनोसेंस था, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, उसमें कितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग जुड़ी हुई थी, और अब जो है जानबूझकर चीज़ें खराब हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अब इस रिश्ते को कैसे हैंडल करें, कैसे आपसे प्यार करें, कैसे आपके साथ एक लवर की तरह तो रहे ही लेकिन एक अच्छे दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह भी रहे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यू एंड आई वेयर टू यंग, सो डेफिनेटली वो समझ पा रहे हैं कि आपके कनेक्शन में एक इनोसेंस था जो धीरे धीरे समय के साथ साथ खराब हो रहा है, जो खराब नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो आपके पर्सन उसी चीज़ को बरकरार अब रखना चाहते हैं, उनका बस मन कर रहा है करेंटली कि वो बस आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, अच्छी अच्छी बातें करें, घूमें फिरें, आपका प्रेजेंस फील करें, यही उनके दिल में चल रहा है। उनके दिल से सारी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ नेक्स्ट एफर्ट्स या कम्युनिकेशन करेंगे अपने तरफ से। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, देखिए वही मैसेज आया है। ये इंसान डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, इस रिश्ते के वैल्यू को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है इस रिश्ते की अच्छाई को देखना, क्योंकि इस रिश्ते में अच्छाई ज़्यादा है, बुराई बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बुराई को क्यों प्रायोरिटाइज करके रिश्ते को, बॉन्ड को, एक दूसरे के दोस्ती को खराब करें। आई हाइट बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि अब तक वो जिस फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हुए आ रहे थे, उस फैक्टर्स का कोई भी यू नो वैल्यू ही नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो अब वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, अब वो यू नो दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, एंड उनका बस मन कर रहा है कि अब मैं इस रिश्ते को अच्छे से, इस प्यार को दिल से समझ पाऊँ एंड दिल से आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ओके। एंड अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो आप एनर्जाइज फॉर्म में रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल विश के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, कल तक लास्ट डेट है डिस्काउंट का। अगर आपको चाहिए लव लाइफ से जुड़े, करियर से रिलेटेड, मनी, हेल्थ, ब्यूटी से रिलेटेड, और ये जो ब्रेसलेट है आपके ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, सेल्फ लव के लिए भी बेनिफिशियल है, एंड लव लाइफ मैरिज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ओके। और मिस्ट वगैरह भी आप ले सकते हो, ये है अट्रैक्शन मिस्ट, इसे यूज़ करके आप घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। सो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।